हाय फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम आज की, आप जो अगर स्लीवलेस आपको पसंद है तो उसको हम कैसे कैरी कर सकते हैं ताकि वो अजीब ना लगे दूसरों के सामने, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्लीवलेस कुर्ती होती है इनको हमको अपने अंडरआर्म्स को क्लीन करके पहनना चाहिए। तो जैसे इस तरह के 3 ब्लेड वाले रेजर आते हैं तो उससे आपको सेविंग करनी है। सबसे पहले आपको पानी लेना है, पानी से भिगोना है, उसके बाद साबुन लगा लेना है और साबुन लगाने के बाद आपको झाग बना लेना है जिससे कि वो आसानी से हो जाता है। और फिर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से स्ट्रेच करते हुए आपको कर लेना है। और इसी तरह से आपको सेकंड हैंड में भी पहले साबुन और पानी से करना है और फिर उसके बाद उसको भी क्लीन कर लेना है। करने के बाद आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल और इसको आपको अपनी हथेलियों पर लेकर इस तरह से इसको मॉइस्चराइज कर देना है, जिसे लगा लेना है। हाँ, इसी तरह गाइस, जैसे अगर हमें स्लीवलेस पहननी है तो हमें अपने हाथों पर बॉडी लोशन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बॉडी लोशन अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारे जो हैंड है वो काफी रूखे सूखे दिखते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी एक अच्छा सा जिस नरिशिंग वाला बॉडी लोशन लेना है आपको, और आपके ऑल ओवर हैंड पर अच्छे से आपको लगा लेना है ताकि जो आपके हैंड है प्रेजेंटेबल लगे। और साथ ही गाइस, आपको जो सबसे मेन वो है ये जो इस तरह के जो बॉडी ऑर्डर होते हैं और ये है नाइविया का, तो इसको भी आपको गर्मियों में अपने यहाँ इस तरह से आपको लगा लेना है ताकि धीमी धीमी जो खुशबू है वो पूरे दिन आपको आती रहे और दूसरों को आपके जो अंडर आर्म्स हैं उनमें से स्मेल ना आए। और साथ ही गाइज, अगर आप मैरिड हैं तो आप बैंगल्स पहन सकते हैं स्लीवलेस के साथ, अगर अनमैरिड हैं तो आप एक वॉच तो कैरी कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी टिप्स कि आपको जो है स्लीवलेस पहनना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।